नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। आम आदमी पार्टी ने किया रोष प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी द्वारा प्रदेश में निकाली जा रही भाईचारा एक कावड़ यात्रा को रोके जाने पर जताया रोष। अम्बेडकर चौक पर प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ की नारेबाजी, वह सरकार का पुतला फूंका। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता ने आज सिरसा में रोष प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अम्बेडकर चौक पर एकत्र हुए और मुख्यमंत्री का पुतला फूंका। कार्यकर्ताओं ने आप नेता नवीन जैन की कावड़ यात्रा को रोके जाने के विरोध में प्रदर्शन किया। वहीं आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार बदले की भावना से काम ले रही है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी द्वारा पूरे प्रदेश में हरिद्वार से कावड़ यात्रा भाईचारा बढ़ाने के लिए निकाली जा रही थी, लेकिन सरकार जात पात की राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने फिर से कावड़ यात्रा को रोकने का प्रयास किया तो आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को सड़क पर उतर कर आंदोलन करना पड़ेगा। हरियाणा के भाईचारे और सद्भावना की रक्षा के लिए आम आदमी पार्टी हरियाणा यूनिट कावड़ यात्रा निकाल रही है, जो हरियाणा हरिद्वार से लेकर 500 किलोमीटर की है। उसका एकमात्र है कि भाईचारे का संदेश देना है हर जिले में। कल पानीपत के अंदर पुलिस द्वारा हमारी यात्रा को रोका गया, हमारे गाड़ियों की चेकिंग की गई, कुछ गाड़ियों की चाबियाँ खोसी गई, प्रदेश अध्यक्ष से बदतमीजी की गई, और जब वहाँ नारेबाजी की गई तो पुलिस अधिकारियों ने कहा कि हमें ऊपर से आदेश हैं। तो भाजपा सरकार हमारी सद्भावना और भाईचारे की यात्रा से बौखलाई हुई है, क्योंकि जो इनकी राजनीति है वो भाईचारा तोड़ के ही चल रही है। इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा कि हम हरियाणा के अंदर भाईचारा क्यों स्थापित करना चाह रहे हैं। इनकी एक ही राजनीति है, फूट डालो और राज करो। कल गंगा जल की बोतलें छीनी गई, कांवड़िए हमारे जो साथी थे जो कांवड़ यात्रा कर रहे थे उनसे उनके मोबाइल खोसे गए, गाड़ी क्लोज किया गया और पुलिस अधिकारियों को दिया कि आप थाने में चलो। वहां पर जब नारेबाजी हुई तो डीएसपी साहब ने माफी मांगी। हम ये जानना चाहते हैं कि ऊपर से कौन इनको आदेश दे रहा है। पुलिस अपनी मर्जी से इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं कर सकती कांवड़ यात्रियों पर, क्योंकि इससे हमारी भावनाएं जुड़ी हैं, गंगा जल से हमारी श्रद्धा जुड़ी है। और सरकार की इसी कार्यप्रणाली के विरोध में आज हमने मुख्यमंत्री जी का पुतला फूंका है। अगर ये दोबारा इस तरह की घटनाएं करेंगे, इस प्रकार से कांवड़ियों को अपमानित करेंगे, गंगा जल का अपमान करेंगे, तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सड़कों पर आंदोलन करेंगे।